देखिए तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है आपसे थोड़ी देर में हो जाएगी और दसनंदे चौराहे का ही ये नजारा है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो नेता है जो युवा है वो आए हुए हैं और कहा जाए तो देशभक्त जो है वो आए हुए हैं बताया जा रहा है कि अब थोड़ी देर में ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के वो भी आएंगे। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगने लगी थी और एक बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करी जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए कि कितना अहम है आज का दिन। भाई साहब तिरंगा यात्रा है आज आप लोगों की, कितना अहम है आज का दिन और क्या लग रहा है? आज आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, उसमें हम लोग जो है माननीय रामचंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में हमारे लखनऊ उन्नाव MLC साहब के नेतृत्व में हम लोग 75 किलोमीटर की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। यह हमारे गौरव की बात है कि हम जो है भारत में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा देश हमारा तिरंगा यात्रा और आज़ादी का पर्व मना रहा है। तो आपने देखा कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और तिरंगा यात्रा में शिरकत करने की जो तैयारी है वो लगभग अब पूरी हो गई है। यहाँ से उन्नाव के लिए जो तिरंगा यात्रा शुरू हो जाएगी और करीब 75 किलोमीटर की ये जो तिरंगा यात्रा है करीब 75 किलोमीटर के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 75 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा जो है वो होगी। आज तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं 75 वर्ष पूरा होने पर 75 किलोमीटर की, कितनी अहम जी, कितनी अहम आप मानते हैं? ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज आप देखिए हर युवा हर बुजुर्ग हर महिला हर बच्चा इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मोदी जी की योगी जी की सरकार में आज जब हर घर में तिरंगा फैलेगा तो 15 अगस्त को जो विहंगम दृश्य होगा वो मुझे लगता है कि देश नहीं पूरा विश्व उसको समर्थन करेगा उसका सम्मान करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है बड़े पैमाने पर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अभी कार्यक्रम में आ चुके हैं और ब्रजेश पाठक देखिए बिल्कुल सामने था कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और आज वही इस कार्यक्रम में देखा भी जा रहा है कि ब्रजेश पाठक खुद इस कार्यक्रम में अब पहुंच रहे हैं और पहुंचे हुए हैं और ब्रजेश पाठक खुद इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। देखिए सामने देखिए ब्रजेश पाठक हम ले लें तिरंगा यात्रा आज से बता सकते हैं।
आजादी के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उस 75 वर्ष के उपलक्ष में ये 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा
तिरंगा यात्रा के जरिए। बड़े पैमाने पर जो नेता कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। ब्रजेश पाठक इस वक्त आगे वाली गाड़ी में जाते हुए इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई जो है उन्होंने की है और उनके आने के बाद ये तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू हुई है। यात्रा को बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो लगातार नेताओं की तरफ से, लगातार रामचंद्र प्रधान की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से की जा रही थी और आज उसी रथ यात्रा को सफल करने का जो प्रयास था वो किया गया था। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद इस रथ यात्रा में पहुंचे थे, उन्होंने रथ यात्रा को सफल इस रथ यात्रा में उन्होंने कहीं ना कहीं आकर के जो युवा थे जो लोग थे उनका जोश बढ़ाया है। तो साफ तौर पर सरकार की 75 वर्ष अमृत महोत्सव उसको बेहतर तरीके से मनाना है, उसे और शानदार तरीके से मनाना है और कुल उसी तरह से कुछ इसी तरह से इस कार्यक्रम को सफल करने की जो कोशिश है वो आज इस रथ यात्रा के जरिए की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का काफिला जो है वो थोड़ी दूर और निकला हुआ है, आगे की तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला, क्योंकि भीड़ इस कदर है, गाड़ियों का जो काफिला है वो इस कदर है, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि चुनावी रैलियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, चुनावी यात्राएं आपने बहुत सारी देखी होंगी जहाँ पर इस तरह की भीड़ होती है, लोगों को समस्या होती है ट्रैफिक को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर। लेकिन ये जो दृश्य है ये कहीं ना कहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के ये दृश्य, ये एक अपने में गौरवान्वित करने वाला दृश्य है, ये अपने में कहीं ना कहीं ये बताने वाला दृश्य है कि हम देश के 75 वर्ष आजादी के मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी को देखते हुए ये दिन कितना अहम है, कितना बेहतरीन इस दिन को बनाना था, क्योंकि ये जो तिरंगा यात्रा है वो राजधानी लखनऊ से शुरू करके उन्नाव तक जानी है। 75 किलोमीटर का जो संकल्प है इस तिरंगा यात्रा का रखा गया है कि 75 किलोमीटर ये तिरंगा यात्रा जाएगी और 1090 चौराहे से ये तिरंगा यात्रा शुरू होकर के अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ पहुंचती हुई, सामने गाड़ी में आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। साफ तौर पर उन्होंने भी प्राइम टीवी पर बोलते हुए, हालांकि बहुत ज्यादा तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जितना भी कहा उन्होंने ये कहा कि बहुत गौरवपूर्ण दिन है आज का, हम सबको आज के इस दिन की अहमियत समझनी चाहिए। ये रथ यात्रा जो है वो, माफ कीजिएगा, ये जो तिरंगा यात्रा है ये अब लगातार बढ़ती हुई आगे की तरफ जाती हुई और आगे से लेकर के पीछे तक सिर्फ गाड़ियों का ही काफिला, लोगों का काफिला जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो युवा थे, जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो इस रथ यात्रा में आए, अलग अलग जिलों से इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए और इस तिरंगा यात्रा को सफल करने की जो कोशिश थी उनकी तरफ से वो करी जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर ये तिरंगा यात्रा जो है वो सफल भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हुजूम देखने को मिला है, जिस तरह से लोगों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या, युवाओं की संख्या देखने को मिल रही है और एक अहम चीज, सबसे अहम चीज ये कि पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिखता हुआ, हर गाड़ी पर सबके हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिखता हुआ, जो अपने में कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण विषय है कि हम आज इस दिन को देख रहे हैं, हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और महोत्सव मनाते हुए हम ये दिन देख रहे हैं जब हम इस तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। सरकार का संकल्प था, प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, इस तिरंगा अभियान को, घर घर तिरंगा अभियान को सही तरीके से पूरा करने का और वो लगभग पूरा भी होता हुआ, ये तिरंगा यात्रा जो है वो एक बेहतरीन तरीके से पूरी होती हुई और अब ये मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची है। ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के
परिषद के सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उन्हीं की अगुवाई में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर ये कार्यक्रम जो है वो पहुंचा हुआ है और यहाँ से उन्नाव के लिए प्रस्थान किया जाएगा। ब्रजेश पाठक देखिए सामने वाली ओपन जीप में ब्रजेश पाठक इस वक्त सवार हैं और साफ तौर पर ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शिरकत करके युवाओं का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का जोश बढ़ाते हुए नजर आए। पूरे रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ जो तिरंगे थे वो तिरंगे दिख रहे थे, पूरे रास्ते पर सिर्फ सिर्फ युवाओं के अंदर जो जोश था वो दिख रहा था और बड़े पैमाने पर जो नेता कार्यकर्ता है वो सुबह से ही आए थे, तिरंगा था। सवारी थी वो चल रही थी और ब्रजेश पाठक इस वक्त गाड़ी से उतर रहे हैं, ब्रजेश पाठक इस वक्त गाड़ी से उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री आवास आ गया है। शुभम उतरो 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 जल्दी जल्दी उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो आराम से आराम से आराम से। आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक इस तिरंगा यात्रा से निकल कर वापस लौट करके क्योंकि आगे आप दिखा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। फिलहाल यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ चुकी है। अब ये उन्नाव के लिए प्रस्थान देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।